इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन, suppose this is a horizontal surface, we have got a block on the horizontal surface having some mass m, and this block is moving in this direction. When the block moves in this direction, friction would act in opposite direction. Friction opposite direction mein act karega. It would oppose the motion of the block. Some friction FR act. And against this friction, the block got displaced by some finite displacement S. हम कहते हैं दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस डायरेक्शन. वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस केस इज एफ आर डॉट डिस्प्लेसमेंट, एंड हियर मॉड एफ आर mod displacement, or हम कहेंगे cos of 180 degree, क्योंकि friction opposite direction में है, particle जिस direction में displace हो रहा है उसके opposite direction में है, the angle between them is 180 degree. We used to say in this case the work done by friction is negative. Now what do you mean by this concept? Ki work done by friction is negative. Work done by friction is negative means that friction would carry away, friction would take away this much amount of energy from the system. Jab yaha block friction ke against is tarah se S se displace hoega, to friction ke dwara itni energy usse nikal li jayegi, बाहर निकाल ली जाएगी, इतनी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, खर्च हो जाएगी इधर से इधर तक आते आते, दिस पार्टिकल वुड लूज सम एनर्जी. यदि किसी वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था तो इधर तक आते आते इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव वर्क डन बाय फ्रिक्शन. अब देखिए, मैं एक सिचुएशन देता हूं, द इंक्लाइंड प्लेन. द हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज h, द लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज l. हाइट h दिया है, लेंथ l दिया है, यू कैन ऑलवेज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर थीटा. आप थीटा के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट थीटा वुड बी गिवन बाय टैन इनवर्स h अपॉन l. हियर इज अ ब्लॉक ऑन दिस इंक्लाइन प्लेन, एंड दिस ब्लॉक have got a coefficient of friction of mu. Now, tan theta is h upon l,
साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं. नाउ इफ आई आस्क व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम, जब यह ब्लॉक बॉटम तक पहुंचेगा तब तक यह ब्लॉक कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा. इफ दिस ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंक्लाइन प्लेन द ब्लॉक इज म्यू. इट्स रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, it's released from rest. Now we used to say that we have got two methods to solve this situation, to solve this problem. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके बताता हूं. एक तरीका तो बेहद लंबा, बेहद पकाऊ, बेहद उबाऊ. The methods in which we'll use dynamics and kinematics, जो इसके पहले हमने motion in 1D, motion in 2D पढ़ाया और साथ में Newton's laws of friction पढ़ाया, एक तो हम उस method से इस problem को solve कर सकते हैं. और दूसरा method which involves the concept of work, power and energy, which would be rather easier and a simpler methods. हम दोनों ही methods से इस problem को करना सीखेंगे और फिर हम यह देखेंगे कि किस तरह से WPE का concept सीख लेने से, WPE का concept समझ लेने से situations और problems काफी आसान हो जाती हैं और इसके पहले जो हमने chapters पढ़े हुए हैं उससे superior chapter है या उससे बेहतर chapter है. यह सिचुएशन को सॉल्व करना और आसान बना देता है. आई एम ट्राइंग टू डेमोंस्ट्रेट दैट थिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. देखिए, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, तो किसी भी इंटरमीडिएट सिचुएशन पर हम कहेंगे यह ब्लॉक ए से एक्सीलरेट करेगा, ऊपर से नीचे आते समय यह ब्लॉक ए से एक्सीलरेट करेगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन. और कैसे एक्सीलरेट करेगा? देयर आर टू एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स mg इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अनदर इज नॉर्मल रिएक्शन n. एंड द थर्ड एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि यह रफ इंक्लाइन प्लेन है इसलिए इस रफ इंक्लाइन प्लेन पर द थर्ड फोर्स वुड बी फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. इस तरह से यह तीन फोर्स लगेंगी. हम कहते हैं आई कैन रिजॉल्व नॉर्मल रिएक्शन, मुझको रिजॉल्व नहीं करना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स रिजॉल्व नहीं करना चाहिए, मुझे mg को रिजॉल्व कर देना चाहिए. mg फोर्स एक नॉर्मल टू सरफेस, एक नॉर्मल टू इंक्लाइन और एक अलोंग द इंक्लाइन. यू आर अवेयर ऑफ दिस रिजोल्यूशन फिनोमेना. हम जब mg को रिजॉल्व करेंगे तो नॉर्मल कंपोनेंट जो आ जाएगा दैट इज mg cos थीटा और यह कंपोनेंट होगा mg sin थीटा. फिर हम लिख देते हैं नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg cos थीटा. नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg cos थीटा एंड फ्रिक्शन फोर्स fr, जब एक ब्लॉक मूव करेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर लगने लगेगा, दैट इज म्यू इंटू n, दैट इज म्यू इंटू mg cos थीटा.
और इस ब्लॉक को नीचे की तरफ एक्सीलरेट करने वाला फोर्स होएगा एमजी साइन थीटा और इसको अपोज करने वाला फोर्स होएगा फ्रिक्शन. एमजी साइन थीटा इज द एक्सीलरेटिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स इज फ्रिक्शन और ओवरऑल यह ब्लॉक एमए से एक्सीलरेट करेगा, ए से एक्सीलरेट करेगा. सो एक्सीलरेटिंग फोर्स एमजी साइन थीटा माइनस एफ आर मस्ट बी इक्वल टू एमए. ये सारे काम हम न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया के पहले कर चुके हैं, सीख चुके हैं. मैं एफ आर की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो एमजी साइन थीटा माइनस म्यू एमजी कॉस थीटा इज इक्वल टू एमए. सो आउट एम कैंसिल हो जाएगा और हमें एक्सीलरेशन दिखने लगेगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. हम इस तरह से इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन लिख देते हैं और इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन लिखने के बाद फिर जब यह ब्लॉक ऊपर से नीचे तक आएगा तो इसकी वेलोसिटी लिखने के लिए हम थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल कर लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन. द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन इज दिस g इनटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एंड देन डिस्प्लेसमेंट के लिए दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. इट्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. मैं वी स्क्वायर लिख देता हूं 2g. अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा की जगह में एल अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एच अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस म्यू कॉस थीटा. कॉस थीटा की जगह बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल इनटू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. थ्रू आउट दिस टर्म कैंसल्ड एंड वी गेट वेलोसिटी एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g h माइनस म्यू एन. This would be the velocity of block when it reaches the bottom. मैं दोबारा समझाता हूं. मैं पहले ही बोला हूं कि यह जो तरीका है प्रॉब्लम को करने का बड़ा सड़ा तरीका है, पका और उबाऊ तरीका है, क्योंकि इनफैक्ट एक गलत तो नहीं, एक अहम एक प्रॉब्लम जिसको और साधारण और आसान तरीके से करा जा सकता है उसे हम व्यर्थ में खींच रहे हैं. इस प्रॉब्लम में हमने कोई WPE वर्क पावर एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं लगाया, कोई वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगाई, कहीं कोई वर्क नहीं डिटरमाइन करा. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमने पूरी तरह से न्यूटन्स लॉस और काइनेमेटिक्स अप्लाई कराए. अभी इस मेथड में इनफैक्ट फाइनली वी विल कंक्लूड दैट WPE द कंसेप्ट ऑफ WPE always provide us an alternative method and alternative concept to solve any situation. इसी situation को, इसी problem को solve करने का एक बेहद आसान तरीका WPE से हमें मिल जाएगा. देखिए पहले हमने कैसे करा उसको दोबारा समझाता हूं. हमने कहा जब यह block ऊपर से नीचे तक आएगा तो यह constant accelerate करते हुए नीचे आएगा. कोई सी भी intermediate situation पर हम बात करें तो इसका कुछ acceleration A होगा. इस ब्लॉक पर तीन एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगी. बॉडी का डायनामिक्स एनालाइज करते समय, उसका एक्सीलरेशन डिटरमाइन करते समय हमें सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ही सोचना है. एक एक्सटर्नल फोर्स एमजी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन इस प्लेन
इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और एक फ्रिक्शन जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगेंस्ट द मोशन। यह तीन फोर्सेस हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन को हम बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं करते हैं। हमेशा एक नियम है, रिएक्शन फोर्सेस को रिजॉल्व नहीं करा जाता है। नॉर्मल रिएक्शन के अलावा हम वाई एक्सिस देखेंगे, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस देखेंगे। हमें ये जो एक्शन है एमजी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसे रिजॉल्व करना चाहिए। इसे हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करा, एक तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और एक अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। अब हमने कहा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन हमें दो फोर्सेस दिख रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक एमजी कॉस थीटा। नॉर्मल रिएक्शन एंड एमजी कॉस थीटा दे मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट। फिर हमने कहा कि यह एमजी साइन, ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यह फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो पार्टिकल मूव करता है तो मैक्सिमम होती है म्यू इंटू एन, एन इज नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू एन एमजी कॉस थीटा। अब हमने इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यह पार्टिकल मूव करेगा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग यह पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा एमजी साइन थीटा, अपोजिंग फोर्स होगा एफ आर, एमजी साइन थीटा माइनस एफ आर इक्वल टू एम ए। एमजी साइन थीटा माइनस एफ आर, एफ आर की जगह उसकी वैल्यू रख दी इज इक्वल टू एम ए, सो मास काट दिया, एक्सीलरेशन इज दिस। इस एक्सीलरेशन से यह ब्लॉक नीचे आएगा। अब जब यह नीचे आएगा तो स्टार्ट यह रेस्ट से कराए यहां तक आते आते कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा। उस वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन लगाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वेलोसिटी स्क्वायर इज फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, इनिशियली इट्स एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर की जगह जीरो स्क्वायर प्लस टू। एक्सीलरेशन के लिए यह कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ऐसा कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पार्टिकल इधर से इधर जब आ रहा है तो जो डिस्प्लेस हो रहा है दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन, इट इज एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ दैट, वह चीज इधर सब्स्टिट्यूट कर। अब क्योंकि थीटा तो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा था तो साइन थीटा और कॉस थीटा इस टर्म्स में तो आंसर नहीं दिखना चाहिए क्योंकि थीटा उन्हें नहीं दिया। साइन थीटा इज एच अपॉन एल, साइन थीटा इज एच अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज एल अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की जगह एच अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा की जगह एल अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमें यह वेलोसिटी दिखने में। अब मैं इस पूरे मेथड को साफ कर देता हूं, सिर्फ आंसर लिखा रहने दूंगा। सेम रिजल्ट सेम आंसर आई विल ऑब्टेन विथ द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डब्ल्यू पीई, वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी कंसेप्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम समझे ही कंसेप्ट इस्तेमाल ऑब्टेन करेंगे। देखिए हम कहते हैं इस जगह पर कोई इंटरनल फोर्सेस नहीं है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं। इस ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रही हैं, इनफैक्ट तीन फोर्सेस लग रही है, एक तो एमजी और एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम, हम सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, इट सेज दैट वर्क डन इज चेंज इन एनर्जी। हम कहते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी।
सभी फोर्सेस की वजह से आप निकाले होंगे, ऐड करें, राइट इट लाइक दिस, वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब जरा देखिए, वर्क डन बाय एमजी हम निकालते हैं सबसे पहले। एमजी फोर्स इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट एच है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी फोर्स है। पार्टिकल जब ऊपर से नीचे तक आ रहा है तो एमजी फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट एच से हो रहा है। सो वर्क डन बाय एमजी फोर्स इज एमजी इंटू एच। मैंने यह बता चुका हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क निकालना है उसमें सिर्फ हमें यह देखना है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी के अलावा कितना नीचे आ रहा है, ये हमने अभी अभी एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की यह डायरेक्शन है, फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन वुड बी नेगेटिव और कितना होएगा जरा देख ले, इट्स माइनस एफ आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से है हमेशा और पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर। नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर द थीटा वैल्यू वुड बी 90 डिग्री, कॉस थीटा वुड बी जीरो, वर्क डन वुड बी जीरो, देयर इज नो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। यहां पर नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं करेगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एमवी स्क्वायर एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। अब हम कहते हैं एमजी एच ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं, दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी। फ्रिक्शनल फोर्स में लिखता हूं, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन इज एमजी कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह पर यह वैल्यू लिख दीजिए, एमजी एच इक्वल टू एमजी एच माइनस म्यू एमजी कॉस थीटा की जगह एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो कि कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ एमवी स्क्वायर। थ्रू आउट एम कैंसल्ड एंड वंस अगेन वी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 2g into h minus mu l and once again the same result। हमने इस बार सेम प्रॉब्लम कराए, न्यूटन्स लॉ डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट नहीं लगाया, उसके बजाय वर्क एनर्जी थ्योरम लिखा।
वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, और वर्क डन डिटरमाइन करने के लिए हमने वहां पर जितनी भी फोर्सेस है उन सभी के लिए वर्क को ऐड कर दिया, एंड फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वर्क डन बाय एनजी हमने सोच समझ कर लिखा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमने लिखा, और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो। नॉर्मल रिएक्शन के लिए वर्क इसलिए जीरो कहा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा आपको परपेंडिकुलर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, एंड देन आई सिंप्लीफाइड इट एंड वंस अगेन द सेम रिजल्ट। अब इधर एक बात और देखें जो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच ए, एंड दिस टर्म इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये जो टर्म है दिस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो हमें दिख रहा है माइनस म्यू एम जी एल, वर्क डन बाय ग्रेविटी एम जी एच, और यह हुआ हाफ एम वी स्क्वायर। अब जरा देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी एमजीएच मतलब जैसे कि पार्टिकल को सीधा ग्रेविटी के द्वारा इस तरह से ऊपर से नीचे लाया गया हो, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू एमजीएल ऐसे एक बार हम ब्लॉक को इधर ले आए उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ब्लॉक को एल डिस्टेंस से ऐसे ले गए, क्योंकि जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर होएगा तब एमजी और नॉर्मल रिएक्शन भी एमजी, और फ्रिक्शन फोर्स होएगा म्यू एमजी, और फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क जो होएगा एल डिस्टेंस ले जाने में दैट इज म्यू एमजी इनटू एल। तो फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि आप ब्लॉक को इधर से इधर तक खींच कर ले जा रहे हो, बस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब फ्रिक्शन फोर्स उसमें से एनर्जी को ड्रॉ करेगी, उसमें से एनर्जी को खींच लेगी, और ग्रेविटी उसके अंदर एनर्जी डालेगी, ग्रेविटी उसके अंदर एमजीएच एनर्जी डाल रही है और फ्रिक्शन उसमें से इतनी एनर्जी निकाल रही है, और ओवरऑल उसके अंदर इतनी एनर्जी बच रही है जो कि उसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिख रही है, उसी की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। नाउ इस सिचुएशन को देखने के बाद Now I conceptualize conservative force and non-conservative force. Conservative forces and non-conservative forces. देखिए conservative forces are those forces against which any work done get stored in the system in the form of its potential energy. Conservative forces वहां होती हैं जिनके against कुछ भी work करा जा रहा है तो वह system के अंदर potential energy के रूप में store हो जाती है,
conservative forces are those forces against which, if any work is done, get stored in the system in the form of its potential energy. For example, conservative force is a gravitational force. Gravitational force है, conservative force है. मतलब जैसे यह particle है, मेरे हाथ पर है, मैं इस particle को उठाता हूँ और gravitational force के against इसके ऊपर कुछ work करता. मैं इस particle को lift कर रहा हूँ और gravitational force के against work कर रहा. जो भी कुछ मैंने gravitational force के against work करा, वो इस particle के अंदर potential energy के रूप में store हो गया. उस करे गए वर्क को, उस डाली गई एनर्जी को मैं दोबारा प्राप्त कर सकता हूं. यदि मैं इस पार्टिकल को छोड़ दूं तो पार्टिकल दोबारा गिरेगा और इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी दोबारा वह मुझे मिल जाएगी. अनदर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, फोर्स due to spring. Spring की वजह से जो force है वहाँ भी एक conservative force है. मैं जब spring को खींचता हूँ, उस पर work करता हूँ, work करते समय में जितनी भी energy उसमें डाल रहा हूँ, वो सारी की सारी energy उस spring के अंदर potential energy के रूप में stored रहती है. वो उस energy को हम दोबारा बाहर निकाल सकते. Coulombic forces or electrostatic forces. Coulombic or electrostatic forces. These forces are also conservative forces. This force ke against, jo bhi kuch aap work kar rahe ho, wah potential energy ke roop mein stored hai. Conservative फोर्स को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इफ ओवर अ क्लोज्ड पाथ द वर्क डन इज जीरो. एक पार्टिकल को हम एक पॉइंट से लेकर चलें, कहीं भी घुमाए फिराए, यदि उस पॉइंट पर दोबारा ले आते हैं एंड वर्क डन, नेट वर्क डन ओवर क्लोज्ड पाथ, network done over closed path is zero by conservative forces. Conservative forces के द्वारा एक closed path में network done zero होता है. एक point से लेकर चले और दोबारा उसी point पर यदि हम लौट जाएं, तो particle और नेटवर्क डन यदि जीरो हो जाए तो पार्टिकल पर इस दौरान जितनी भी फोर्सेस लगी वो सब कंजर्वेटिव फोर्सेस. नाउ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस अगेंस्ट विच इफ एनी वर्क इज डन दैट गेट लॉस्ट और दैट गेट डिसिपेटेड. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वह फोर्सेस होती हैं जिनके अगेंस्ट कुछ भी वर्क कर रहे हो वो पूरी तरह से वेस्ट चली जाती हैं, व्यर्थ चली जाती हैं. सच वर्क आर, सच फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. वन ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज अ non-conservative force. इस force के against जो भी कुछ work हो रहा है, that work get lost in the form of heat or light or some another form like sound.
कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट जो भी कुछ वर्क होता है वो किसी भी रूप में स्टोर नहीं होता है, वो प्राप्त नहीं करा जा सकता, वो पूरी तरह से वेस्ट या व्यर्थ चले जाता है। सच फोर्सेस वी कॉल देम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स वहां है जिनके अगेंस्ट कोई सा भी करा हुआ वर्क वो सिस्टम के अंदर स्टोर्ड रहता है। नाउ दैट वी यूज टू कंसेप्चुलाइज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। देखिए द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज टर्म्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इट्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है दैट इज टर्म्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज टर्म्ड एज टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब एक बात ध्यान रहे, मैकेनिकल एनर्जी इज टर्म्ड एज द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम हाईएस्ट ग्रेड ऑफ एनर्जी कहते हैं। नाउ ग्रेड ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है समझे? देखिए एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, हम वह भी इसी समय बताए थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इट सेज दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। दिस एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय न्यूटन and it says that energy can neither be created nor be destroyed. Energy को आप न create कर सकते हो न destroy कर सकते हो, it may change its form from one to another. Energy एक form से दूसरे form में change हो सकती है, वो destroy या create नहीं हो सकती। अब ऐसा नहीं है कि energy के किसी भी form को दूसरे form में बड़ी आसानी से convert करा जा सकता है। कुछ conversion बड़े आसान होते हैं मगर कुछ कन्वर्जन बेहद मुश्किल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना बड़ा ही आसान होता है। एक पार्टिकल जिसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, यदि यह फ्रिक्शन फुल सरफेस पर ट्रैवल करने लगे तो ऑटोमेटिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना बड़ा ही आसान है, मगर क्या वाइस वर्सा, क्या रिवर्स आसानी से करा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस चौक को गर्म करूं और गर्म करने पर यह चौक एकदम से उछल जाए, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाए? Can be done, but not that easily. Kinetic energy को heat में आसानी से convert करा जा सकता है, मगर heat को kinetic energy में आसानी से convert नहीं करा जा सकता। हम कहते हैं kinetic energy have got high grade because it can be converted into any form. In fact, it's highest graded energy. हम कहते हैं heat is the lowest graded energy क्योंकि हीट को किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करना बेहद मुश्किल है। हीट को किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना बेहद मुश्किल है, इसलिए हीट को तो लोएस्ट ग्रेडेड एनर्जी कहते हैं। व्हाइल
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दे आर टर्म्ड एज हाईएस्ट ग्रेडेड एनर्जी बिकॉज दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म. मैकेनिक्स में, मैकेनिकल एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को शामिल करते हैं, दे आर हाईएस्ट ग्रेड एनर्जी. और मैकेनिकल फिनोमेना में जनरली इन्हीं दोनों एनर्जी का वेरिएशन होता है. पूरे मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी अकाउंट करते समय हम इन दोनों एनर्जी को ही कंसिडर करेंगे. इसके अलावा और भी कई तरह की एनर्जी होती है. फॉर एग्जाम्पल, हम लाइट के सोर्स के नीचे बैठे हैं, इट मींस वी आर रिसीविंग लाइट एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हम बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, साउंड जनरेट कर रहे हैं, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड इन फैक्ट लेटर ऑन आइंस्टाइन हैड सजेस्टेड दैट मास इज ऑल्सो इन फैक्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है. He suggested that if any body have got mass of m, then that body possess energy and we call it mass energy. And that mass energy possessed by body is given by E is equal to mc square. If any body have got mass of m, then that body possess energy of mc square. Here c is velocity of light in vacuum, and it's 3 into 10 to the power 8 meters per second. M is the mass of body and E is energy possessed by the body. So this concept, so this equation, Einstein had explained the source of energy radiated by sun and stars. We call it Einstein theory of relativity. This is in fact Einstein mass energy relation. Einstein ke is equation ko likhne se pehle, it was a big question that how sun and stars, they are radiating such enormous amount of energy. What is their source of energy? From where they are deriving this energy? Sun jo itni sari energy radiate kar raha hai, aakhir sun is energy ko prapt kahan se kar raha hai, kaise prapt kar raha hai? Isse Einstein ne samjhaya tha. Einstein ne kaha ki sun ka aur stars ka swayam ka mass hi उनकी एनर्जी का सोर्स है. सन अपने ही मास को डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने ही मास को कॉन्स्टेंटली कम कर रहा है, और अपने मास को कम करके डिस्ट्रॉय करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको चारों तरफ रेडिएट कर रहा है. उसने सन के लिए लिखा था डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर. हियर डेल्टा एम इज द मास destroyed and
delta E is the energy created. इस बात को बताने के साथ ही हम एक बात और बता दें. आइंस्टाइन, who is the father of modern physics, उसने न्यूटन के एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को गलत प्रूव कर दिया था. न्यूटन का जो कहना था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट्स कंजर्व्ड, इट मे चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर. ये जो न्यूटन ने कहा था, आइंस्टाइन का कहना था कि न्यूटन जिसे एनर्जी कहता है उस एनर्जी को क्रिएट भी करा जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी करा जा सकता है. और इस तरीके से यदि हम मास को डिस्ट्रॉय कर दें तो वहां पर एनर्जी क्रिएट हो जाती है और दिस इज द एनर्जी क्रिएटेड. ऑल्दो व्हाइल स्टडिंग मैकेनिक्स, व्हाइल स्टडिंग फिजिक्स, एट दिस स्टेज हम आइंस्टाइन के इस कंसेप्ट को कभी भी अकाउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अर्थ पर किसी भी मैकेनिकल फिनोमेना के दौरान कभी कोई मास लॉस नहीं होता है. ये जो मास लॉस होता है, जो मास डिस्ट्रॉय होता है, तो सन और स्टार्स जैसी जगह पर होता है. वहीं पर आइंस्टाइन की फिजिक्स सोची और पढ़ी और सीखी जाती है. अर्थ पर मैकेनिकल प्रोसेस और मैकेनिकल फिनोमेना को पढ़ते समय हम न्यूटन के एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को हमेशा होल्ड मानेंगे.